Hi everyone, this is Bhavna and welcome to my channel Style Statement Friends. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से आउटफिट्स जो कि मैंने साड़ी से रिक्रिएट करवाए हैं. सारी कॉन्सेप्चुलाइजेशन और विजुअलाइजेशन सारी मेरी थी. मैंने उनको डिज़ाइन किया और मैंने बताया कि किस तरह से बनाना है और भैया ने बना दिया, टेलर भैया ने. तो ये सब दोनों आउटफिट्स, दो आउटफिट्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए और दोनों के दोनों साड़ी से बने हैं. आई नो यू लव माई ओल्ड साड़ी रीयूज आइडियाज़. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता. तो दिखाती हूँ मैं आपको दोनों बहुत ही खूबसूरत से आउटफिट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक आउटफिट जो कि एक हाफ एंड हाफ साड़ी का है. हाफ एंड हाफ साड़ी कुछ इस तरह की दिखती थी. हम लोग बनिए हैं तो फिर हम लोग ना, हम लोगों में देने लेने में भी और वैसे भी, मतलब किसी की भी शादी होती है तो आपको साड़ी मिलती है. कुछ भी होता है तो आपको साड़ी मिलती है. मम्मी देती है तो मम्मी साड़ियाँ ही देती है, भाई देता है भाई साड़ी देता है. तो हम लोगों में ना साड़ी का ही एक रिवाज, जो ट्रेडिशन होता है ना कि कुछ अगर आपको दे रहे हैं, कोई गिफ्ट कर रहे हैं तो वो साड़ी ही गिफ्ट करते हैं. तो बहुत सारी साड़ीज पड़ी होती हैं, आप लोगों के पास भी होगी आई एम श्योर, बहुत सारी पड़ी होती हैं हमारे पास जो हम नहीं पहनते हैं. तो इस साड़ी को तो मैंने टच ही नहीं किया था और तकरीबन हो गए थे इसको 8-10 साल रखे हो गए थे और इसको एक बार भी नहीं पहना था. इसकी मैंने वो भी मतलब फॉल भी नहीं लगवाई थी. तो ये साड़ी कुछ हाफ एंड हाफ पैटर्न में थी, मैं दिखाती हूँ. तो साड़ी के जो प्लीट्स पार्ट था, जो प्लीट्स बनती है वो था ग्रे कलर का और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी. तो कुछ इस तरह का था ये, देखिए. इसका मैंने एक ए लाइन कुर्ती बनवा ली, बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती. ये पहनने के बाद काफी अच्छी लग रही है. इसको अभी मैंने बेड में डाला हुआ था क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. हालांकि अब अगस्त भी ख़त्म होने वाला है बट गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत गर्मी है. तो हम लोग मतलब कॉटन ही पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है. तो ये जो साड़ी के ड्रेसेस होती हैं, आपको भी पता है कि साड़ी पतली होती है, उसके नीचे लाइनिंग लगती है. तो अभी जो जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम आएगा जिसमें आप स्वेटर भी नहीं पहनना चाहते और कुछ मतलब मोटा सा कपड़ा पहनना चाहते हैं तो तब ये ड्रेसेस बहुत काम आएंगी. तो उस टाइम के लिए मैंने ये बेड में रख दी थी. तो अभी मैंने बेड में से निकाली है आपको दिखाने के लिए क्योंकि एक बिल्कुल नए टाइप की ये मैंने ड्रेसेस बनवाई थी. तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं ये शेयर करूं. तो चलिए दिखाती हूं मैं आपको ये पूरी ड्रेस कैसी है. तो ये एक ए लाइन कुर्ती बनवाई है मैंने, कुर्ती और पैंट का सेट बनवाया है. अब मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ पहले कि कुर्ती मैंने बोट नेक में बनवाई है. बोट नेक एक ये फोटो मैंने मतलब एक है ना फोटो देखी थी उससे मैंने इंस्पायर होके इसको बनवाया है. तो इस टाइप से ये देखिए, तो हल्की सी ये बटरफ्लाई स्लीव है, हल्की है, ज़्यादा नहीं है. और जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था वो इस तरह से सामने आ गया, इस तरह से ये देखिए. नी लेंथ की मैंने ये कुर्ती बनवाई है और सामने इसके बिल्कुल फ्रंट में मैंने ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट डाल दिया सारा. ए लाइन कुर्ती है जो साइड से बंद होती है और ऐसे हल्का सा जिसमें इस तरह का होता है शेप, ए शेप होती है तो वो होती है ए लाइन कुर्ती. तो ए लाइन कुर्ती मैंने बनवाई है विद बोट नेक एंड बटरफ्लाई स्लीव्स. तो इस टाइप से मैंने स्लीव्स भी बनवाई है क्योंकि स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट चाहिए था मुझे. तो पहले टेलर भैया ने इसके ऊपर स्लीव्स में इस तरह का प्लेन वाला पार्ट लगा दिया था बट मैंने कहा अगर कपड़ा बचा हुआ है तो उसको भी यूज कर लेते हैं हम लोग. तो मैंने स्लीव्स पे बटरफ्लाई स्लीव्स बनवाई और इस टाइप का ये मतलब एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट इस स्लीव्स पे भी आ जाए तो मैंने यही सोच के लगवाई है. ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये कुर्ती बन गई है. अब इस कुर्ती को मैंने पेयर करने के लिए इस जो साड़ी का पल्लू पार्ट था वो कुछ इस तरह का था. ये देखिए ये जो पीच कलर है, पीच कलर का था तो मैंने उसकी पैंट बनवा ली और कपड़ा काफ़ी मोटा था बट फिर भी इसके नीचे आपको लाइनिंग लगानी ही पड़ेगी. तो मैंने कॉटन की लाइनिंग लगवाई है इस तरह से, पॉकेट वाला बनवाया है, एक पॉकेट है इसके अंदर. तो आप आराम से अपना कोई भी कार्ड या फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी कैरी कर सकते हैं.
फ्रंट से ये बेल्ट वाली है और पीछे से इलास्टिक वाली है। पैंट्स हमेशा आप जब भी बनवाएं तो फिटिंग वाली बनवाएं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं ये देखिए। और ये पैंट मैंने थोड़ी सी छोटी रखी है, मतलब नी लेंथ तक, सॉरी एंकल लेंथ तक की रखी है, ताकि इसमें एक है ना डेफिनेशन और एक मॉडर्निटी ऐड हो। बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ये पहन के। इसको मैं पहन के पिक मैं इसकी इंसर्ट कर दूंगी, आपको पूरी ड्रेस का कैसा लग रहा है वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस टाइप से ये देखिए, तो इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज पहले चल रही थी बहुत ज़्यादा, अब नहीं चल रही हैं। तो बट इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स बहुत ज़्यादा अब इन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में आ गए हैं। तो आप अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज़ को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पे बहुत ब्यूटीफुल सा एक पर्पल कलर का बॉर्डर था, बट वो मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया, उसको मैंने निकाल के रख दिया है। लेस लगी हुई थी तो वो मैंने साइड में निकाल के रख दी है, ताकि उसको मैं किसी और कभी फिर और यूज़ कर लूँगी। बट इस तरह से ये देखिए, जब आपकी साड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली हो तो यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूंगी, तो आप कभी भी उस एम्ब्रॉयडरी वाले से मैचिंग की कोई लेस वगैरह, साड़ी में से निकली हुई कोई लेस वगैरह इसमें कुर्ती में या ड्रेस में ना लगवाएं, अदरवाइज ये बिल्कुल साड़ी से बना हुआ आउटफिट लगेगा। आप उसको अलग से किसी में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है, वैसे भी आउटफिट बहुत भारी और बहुत हैवी लगने वाला है, देखने में भी और पहनने में भी। तो हैवी तो हम साड़ी भी पहन सकते हैं, बट हम इसकी इसका रीयूज़ कर रहे हैं, इसको कुछ पहनने लायक बना रहे हैं। तो हमेशा अपने बॉर्डर्स वगैरह अवॉइड कीजिए, वो मत लगवाइए, अदरवाइज ये पूरा साड़ी से बनी हुई ड्रेस का ही लुक देगा। अब मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ, इसकी पिक्चर्स मैंने इंसर्ट कर दी है कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड आउटफिट, तो सेकेंड आउटफिट दिखाती हूँ मैं अब आपको। फ्रेंड्स, सेकेंड आउटफिट एक शरारा सूट है। शरारा सूट मैंने बहुत बनाए हुए हैं, बहुत बार आपको दिखाए हुए हैं। तो बट ये थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें मैंने नेक पे कुछ डिफरेंट कलाकारी करवाई है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी शरारा सूट सिंपल और सोबर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इन है। वैसे भी बीच में ये आउट हो गए थे, बट जब से जरा हटके ज़रा बच के मूवी में सारा अली खान ने पहना है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा कुछ ऐसे ना, तो उसमें उसने रेड कलर का शरारा पहना है, क्या ब्यूटीफुल लग रही है वो। सारा अली खान वैसे भी बहुत प्रिटी है। तो फिर से अब ये शरारा सूट्स मतलब फैशन में आ गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो मैंने अपनी एक प्रिंटेड जॉर्जेट की साड़ी का मैंने एक शरारा सूट कन्वर्ट करवाया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी कुर्ती मैंने कैसे बनवाई है। इसकी कुर्ती मैंने कुछ इस टाइप की पेपलम टाइप की कुर्ती बनवाई है, फुल घेर वाली। नीचे मैंने इस टाइप से समोसा लेस लगवा दिया है, हल्की फुल्की लेस डिटेलिंग आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक था और इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं था ना, और कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो मैंने हल्की फुल्की सी इसमें जो है लेस ऐड करवा दिया है। इस टाइप से मैंने ये स्ट्रैप्स वाले, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो स्ट्रैप्स वाले डिज़ाइन का ये बनवाया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, स्वीट हार्ट नेक है इसका। और फ्रंट में मैंने कप्स भी इंसर्ट करवा दिए हैं इस टाइप से, देखिए। बैक से आपको दिखाती हूँ, बैक से गला बिल्कुल सिंपल है। और इस टाइप की प्रिंटेड साड़ीज ना हमारे पास बहुत सारी रखी होती है, बहुत सारी सबकी अलमारी में होंगी। आप अपनी मम्मा से ले सकते हैं, आप अपनी भाभी से, किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की साड़ीज ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, आप खुद भी खरीद सकते हैं। और इस टाइप से शरारा सूट बनवा सकते हैं, जो कि पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंडी लगते हैं। तो ये है एक कुर्ती, इसके नीचे मैंने शरारा सिलवाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फुली इलास्टिक वाला है, इसमें फ्रंट और बैक पे इलास्टिक है इस टाइप से। शरारा बहुत ही इजी होता है, अगर आप खुद भी सिलना चाहें बहुत इजी होता है। जितना ये इसका फ्लेयर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टफ है ये सिलना, बट बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी होता है ये शरारा वगैरह सिलना।
तो आप खुद भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप बाहर सिलवा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है ना तो मैं ज़रूर आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप खुद एक दो बार इसको सी लेंगे, आपको खुद ही आ जाएगा, बहुत ईजी होता है। तो इस टाइप से इसके साथ मैंने शरारा सिलवाया है इस कुर्ती के साथ। वैसे इस कुर्ती को मैं अगर जीन्स के साथ भी पहनूँ तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, या कोई और मैचिंग की मैं इसमें कुछ भी पहन सकती हूँ तो वो भी अच्छा लगेगा। मिक्स एंड मैच करके तो हम पहनते ही रहते हैं, बट इस साड़ी के को पूरा यूटिलाइज करना था मुझे, तो इसमें पूरी साड़ी यूज़ हो गई। इसमें 6 मीटर की साड़ी होती है, 6 मीटर 6.5 मीटर की, तो वो पूरी साड़ी इसमें यूज़ हो गई थी। ये साड़ी भी मैंने मीशो से ली थी, आप मीशो से ले सकते हैं आराम से, कोई भी साड़ी बहुत आराम से बहुत इजीली मतलब सस्ती सी मिल जाती है। अगर आप बाहर से लेंगे तो शायद महंगी मिलेगी, बट मीशो पे काफ़ी सस्ती सस्ती साड़ियां हैं। इसके नीचे मैंने वैसे इस सूट के अंदर जो भी लाइनिंग लगवाया सारा कॉटन का लगवाया था, बट ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी साड़ी तो इसीलिए मैंने इस टाइप से देखिए साटन का येलो कलर का ही मैंने लगवाई है इसके नीचे लाइनिंग, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने के लिए भी। एक बार साटिन को भी ना धो के यूज़ करना चाहिए हमेशा, जो उसमें गफनेस होती है, जो उसमें स्टिफनेस होती है वो धोने के बाद आती है, तो थोड़ा सा वो ना जितना भी अगर श्रिंक होना हो या कलर निकलना हो तो वो निकल लेगा और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये देखिए कितनी खूबसूरत से सा मेरा शरारा सेट बन गया है। तो ये थी मेरी दूसरी ड्रेस, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बने रहिए सेल्फ स्टेटमेंट के साथ, फिर से लेके आऊँगी एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक और वीडियो अगले संडे। तो चलिए संडे का इंतज़ार करते हैं हम भी और आप भी। बाय बाय बाय।